स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज यानी 19 अक्टूबर को सीकर आएंगे। बता दें कि वह सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में आज यानी 19 अक्टूबर को 11 बजे होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल होंगे। जिला हिसार ने ब्लॉक स्तर के चुनावों का कार्यक्रम आज यानी 19 अक्टूबर को होगा। बता दें कि हिसार ब्लॉक प्रथम का चुनाव ऑटो मार्केट के पास स्थित गुर्जर धर्मशाला में प्रातः 11 बजे होगा। हिसार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ आज यानी 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम मैदान से होगा। बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा का नेतृत्व करेंगे और अपनी हुंकार से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। राज्य के सभी प्रखंडों में आज यानी 19 अक्टूबर को बिजली कैंप का आयोजन होगा। बता दें कि इस दौरान बिजली इंजीनियर स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित बिजली उपभोक्ताओं के अन्य शिकायतों का समाधान करेंगे। स्टील सिटी के गोलमुरी गोल्फ कोर्स में आज यानी 19 अक्टूबर को शौकिया खिलाड़ियों के लिए पूर्वी क्षेत्र गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन होगा। बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में रांची, पटना, कोलकाता और अन्य जगहों से 150 गोल्फ खिलाड़ी भाग लेंगे। नागौर महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से आज यानी 19 अक्टूबर को महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र पर निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित होगा। बता दें कि शिविर में डॉक्टर राहुल गर्ग, डॉक्टर दुष्यंत गोस्वामी, डॉक्टर प्रतीप डागा, डॉक्टर कुणाल जैन मरीजों को परामर्श देंगे। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज यानी 19 अक्टूबर को होगी। बता दें कि यह बैठक जल भवन नेहरू कॉलोनी में होगी। इस बैठक में पुरानी लंबित मांगों पर अभी तक हुई कार्यवाही की समीक्षा होगी। गुरु नानक स्वास्थ्य सेवा द्वारा आज यानी 19 अक्टूबर को फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि सुबह 10 बजे से आयोजित शिविर में मोतियाबिंद कम दिखाई देना, भेंगापन आदि के लिए आधुनिक तकनीक से आंखों की जांच की जाएगी। आज यानी 19 अक्टूबर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। बता दें कि इन राज्यों में कोई भारी बारिश या तूफान की संभावना नहीं है। वक्त है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1950 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1996 में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1998 में भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे रोकने के लिए सहमति मिली थी। आज ही के दिन सन 2004 में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।